हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। जैसा कि आप सभी चाह रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम को लेकर कुछ अपडेट आए, जिससे हमें जो संदेह हो रहा है यानी कंफ्यूजन हो रहा है वो हमारा थोड़ा दूर हो जाए, तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके कुछ डिसीज़न लिया है। वो डिसीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की न्यूज़ आ गई है, वो न्यूज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखते रहें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपका एक एक कन्फ्यूज़न दूर हो चुके। तो बच्चों, जो आपको मैं न्यूज़ देता हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिकेशन देता हूँ, बिल्कुल उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती है। आपको प्रूफ के साथ मैं यहाँ दिखा दूंगा, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, ठीक है। उसके ज़रिए आपके एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, एक दो दिन में आपको साइट्स पे भी, यूपीएससी की साइट पे भी ये निर्देश जारी कर दिए जाएंगे या न्यूज़पेपर वगैरह में भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको एग्ज़ाम से जुड़ी, यूके बोर्ड के एग्ज़ाम से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप मेरे साथ चैनल में बन रही है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या निर्देश आए हैं। देखेंगे आप, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड सीएम ने, ठीक है, उत्तराखंड सीएम यानी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए परीक्षाएं स्थगित करने और कॉलेजों में केवल ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षाएं स्थगित कराने का मतलब है कि जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड में होंगी, सभी को स्थगित कराने का मतलब है कि सभी परीक्षाएं क्या कर दी जाएँ, पोस्टपोन कर दी जाएँ। तो यहाँ पे आपका जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी क्या जाएंगी, पीछे जाएंगी, यानी उनके भी पोस्टपोन होने के चांस पूरे हो गए हैं। यानी उन्होंने क्या, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यही बताया था कि परीक्षाएं आपकी, जैसा सीबीएसई ने क्या करा है, क्लास 12th के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को भी क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। और क्लास 10th के एग्ज़ाम फिलहाल तो पोस्टपोन्ड यानी स्थगित ही किए गए हैं। हो सकता है कि अगर कोरोना की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ गए, यानी केसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो हो सकता है क्लास 10th के एग्ज़ाम क्या कर दिए जाएं, कैंसिल भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, और कॉलेजों में खाली क्या होगी, केवल ऑनलाइन स्टडी यानी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। देखोगे आप, यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये न्यूज़ आज का ही है। यहाँ पर देखेंगे आप, 16 अप्रैल 2021 टाइम के है, 8:42, 8:42 PM का ही है ये। इसमें देखो आगे निर्देश और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये भी लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा की बैठक की, साथ ही शासन ने सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश वर्जित करने के लिए आदेश भी क्या कर दिए, जारी कर दिए। इससे नीचे आप जो न्यूज़ देखेंगे उसको सुन के आपको पूरा पूरा बिलीव हो जाएगा कि हाँ भाई, हमारे पेपरों को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तराखंड के बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु वैक्सीनेशन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की बैठक की थी। यानी जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सब घोषणाएं की हैं, आगे देखेंगे आप, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। बैठक में परीक्षाओं को स्थगित कराने यानी पोस्टपोन कराने के लिए, यहाँ देखेंगे आप इस पॉइंट को, आप ज़रूर देखेंगे, परीक्षाओं को क्या कराने, स्थगित करने और कॉलेज में केवल ऑनलाइन क्लास की अनुमति देने, टेस्टिंग की व्याख्या बढ़ाने और वैक्सीनेशन का अभियान तेज़ी से चलाने के लिए, होम आइसोलेशन को प्रभावी बनाने के लिए कंट्रोल रूम के प्रशिक्षित अधिकारियों को, इन सबको क्या है, कार्मिक तैनात करने के लिए ये सब किया गया है। तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब निर्देश हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ी आपके लिए जो राहत की बात है, यानी आपके लिए गुड न्यूज़ जिसे कहेंगे, वो है कि आपके एग्ज़ाम को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अभी ये कहा नहीं जा सकता कि क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, बट इतना ज़रूर अब डिसीज़न आ चुका है कि आपके एग्ज़ाम क्या कर दिए जाएंगे, पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। आपको एक दो दिन में न्यूज़ मिल जाएगी, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, जैसे ही न्यूज़ में या जैसे न्यूज़पेपर में आपका ये आता है वैसे ही मैं इसको अपडेट कर दूंगा। हालांकि अमर उजाला वालों ने इसको डाल दिया है, तो मैंने आपको स्क्रीन इसका जो है रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देहरादून से है ये, अमर उजाला का जो है उसमें अपलोड हुआ है, कल तक ये अपने नॉर्मल न्यूज़पेपर में भी आ ही जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो न्यूज़ मेरे द्वारा दी जाएगी वो कभी गलत नहीं होगी, आपको मैं पूरा साथ देता हूँ। यानी यूके बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैं अच्छे से बिलीव के साथ हर एक न्यूज़ देता हूँ, तो इसलिए अपना विश्वास मेरे पे बनाए रखें, बिना टेंशन के सब कुछ अच्छे से होगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।